हम बनाने वाले हैं चीज मसाला पाव। सबसे पहले 3 चम्मच बटर, आधा गार्लिक, 2 चम्मच भर के, 1 पाव भाजी मसाला, थोड़े सी धनिया, इसको हम ओवन में मेल्ट करते हैं। ये इस तरह से सॉस बनके तैयार है, इसको हम साइड में रखते हैं। पहले इस पैन को गरम करते हैं, छोटा चम्मच तेल डालते हैं, 2 चम्मच बटर, बटर ही डालना है लेकिन बटर जल न जाए इसके लिए तेल डालते हैं, जीरा, लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली और अदरक, इसे भी सोते कर लेते हैं, 1 बड़ा प्याज, इसको सोते करना है थोड़ी देर के लिए, इसी के साथ टमाटर के टुकड़े, 1 बड़ा चम्मच पानी, अब इसको 5 मिनट के लिए रहने देते हैं। अच्छी तरह से मैश हो गया है, इसमें हम येलो, ग्रीन, रेड तीनों कच्चे पत्ते डाल देते हैं, हल्दी, नमक टेस्ट के अनुसार, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, बंद करती हूँ गैस को। अब हम सब्जी को इसमें निकाल देते हैं, हमने लादी पाव लिए हैं 6, अब उसको हम नाइफ से बीच में से कट कर लेते हैं इस तरह से। तो गार्लिक सॉस को हम पैन में डालते हैं और पाव को इस तरह से उसमें सेक लेते हैं, बचा था गार्लिक का पेस्ट तो उसी में हम डाल देते हैं पेस्ट सेकने के लिए, पेस्ट प्लेस कर। अब इसके ऊपर हमने जो ये मसाला बनाया है उसको चीज क्यूब लेते हैं और अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं। हम सभी ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा कट करते हैं, बहुत ही मामूली, क्योंकि हमें इसमें गार्लिक सॉस डालना है। अब हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं, अब मैंने जो ये कट किए हैं उसके ऊपर हम ये गार्लिक का सॉस लगा देते हैं, प्याज की कतरन, थोड़ा सा धनिया, हम ओवन प्रीहीट करने के लिए रखते हैं। ये सब आप गार्निश में इस तरह से रख दीजिए, 10 मिनट के लिए इसे बेक करना है कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आप तावे पे भी बना सकते हैं। हमारा गार्लिक मसाला पाव बनके तैयार है।